करेंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, अगर आप अमेलिया केर के सबसे बड़े फैन हैं या मैं कहूँ सबसे बड़े भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने आज के मैच में जम के कहर बरपा है और सबसे पहले उन्होंने स्मृति मंधाना का विकेट लिया जो सबसे बड़ा विकेट था, जिसकी वजह से आरसीबी रन ही नहीं बना पाई। और आज के मैच में उन्होंने एक रनआउट भी किया जो एस डिवाइन थी, एक कैच पकड़ा जो थी ऋचा घोष का, और दो विकेट और लिए जो थे एच नाइट का और कनिका आहूजा का, जिसकी वजह से आरसीबी के तीन विकेट उन्होंने जो झटके वो सबसे बड़े बड़े विकेट थे। जब अमेलिया बल्लेबाजी करने आई तो मुंबई के चार विकेट गिर चुके थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और उन्होंने हर कोशिश करी, चौके लगाए, छक्के लगाए, स्कूप शॉट लगाया और तो और सूर्य कुमार यादव के जैसे भी उन्होंने खेलने की कोशिश करी और उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी। आरसीबी हारने वाली थी। मैच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया जब स्मृति मंधाना ने बॉल हाथ में ले ली और वो बॉलिंग करने आई अमेलिया केर को, और वो आखिरी ओवर नहीं था लेकिन दो रन बचे थे जीत के लिए मुंबई को, और आखिरकार अमेलिया ने ही मुंबई को जीत दिलाई, वो भी स्मृति मंधाना के ओवर में, जिसके बाद स्मृति मंधाना का ये रिएक्शन था और उसके बाद अमेलिया को ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने तीन विकेट झटके थे और 31 रन बनाए।